नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। केरल में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में मजदूरों के 20 से ज्यादा घर मलबे में बहे, 13 की मौत, 10 को बचाया गया, 70 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। सुशांत मामले में आईपीएस विनय तिवारी का मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा सच छुपाया जा रहा है। फेसबुक के कर्मचारी जुलाई 2021 तक करेंगे घर से काम, जरूरतों के लिए मिलेंगे $1,000। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ई वाहन पॉलिसी, दो पहिया पर 30,000 और कारों पर 1.5 तक मिलेंगे प्रोत्साहित राशि। हरियाणा सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शुरू हुई हरियाणा रोडवेज बसेस। हरियाणा में अब विदेश से आने वाले लोगों के लिए सशस्त्र राहत मिल सकती है, यदि विदेश से आने वाले हरियाणवी 48 घंटे के पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखा दे तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग उन्हें अधिक दिनों तक के लिए क्वारंटीन नहीं करेगा। यूटी एसएसपी के लिए आईपीएस कुलदीप चहल के नाम पर लगी मोहर, विवेकशील सोनी का नाम रिजेक्ट। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जागर ने माना जहरीला शराब कांड में धूमिल हुई सरकार की छवि। कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं, बोले चीन तिब्बत सीमा पर बढ़ाएंगे कनेक्टिविटी। अब खबरें विस्तार से। केरल के इडुकी जिले के राजमाला में भूस्खलन के चलते दर्दनाक हादसा हो गया। यहां अब तक 10 मजदूरों की मौत हो गई है जबकि 80 मलबे में दबे हुए हैं। हादसे में कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। घटना स्थल पर राहत कार्य जारी है। 10 का रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जिंदा निकाल लिया गया है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। राहत कार्य के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। केरल में लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को यह हादसा हुआ। हरियाणा रोडवेज की बसें अब पूरी सवारियां भरकर चलेंगी। परिवहन विभाग ने सभी डिपो के महाप्रबंधकों को वीरवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशक परिवहन ने डिपो महाप्रबंधकों को भेजे पत्र में कहा है कि सरकार के फैसले अनुसार अब 52 सवारियों के साथ सेवाएं दी जाएंगी। बस में चढ़ने से पहले सभी सवारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। बिना मास्क किसी को बस में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना के कारण व डीजल की कीमतें बढ़ने पर रोडवेज को अब तक 900 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व घाटा हो चुका है। हरियाणा में अब विदेश से आने वाले लोगों को सशर्त राहत मिल सकती है। यदि विदेश से आने वाले हरियाणवी 48 घंटे पहले की अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग उन्हें अधिक दिनों तक के लिए क्वारंटीन नहीं करेगा। इसी संदर्भ में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया है। इसके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कोरोना टेस्ट लैब खोलने की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। यूटी एसएसपी पद के लिए 2009 बैच के आईपीएस कुलदीप सिंह चहल के नाम पर मुहर लग गई है। वहीं यूटी एसएसपी के नाम के लिए भेजे पंजाब कैडर के 2011 बैच के आईपीएस विवेकशील सोनी का नाम होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा पैनल में 2010 बैच के आईपीएस केतन पाटिल का नाम भी शामिल था। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।